दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण देखने वाले हैं, जिन्हें तुमुल खंड काव्य का नायक भी कहा जाता है। और पेपर में चरित्र चित्रण हर सेट में आता है, यानी हर खंड काव्य में आता है, ठीक है। चाहे आपके जिले में कोई भी खंड काव्य चलता है, उस खंड काव्य का नायक का आपको चरित्र चित्रण तैयार कर लेना है। तो जिनके जिले में तुमुल खंड काव्य चलता है, उनको लक्ष्मण का चरित्र चित्रण छोड़कर पेपर देने नहीं जाना है। कल आपका पेपर है और आपको लक्ष्मण का चरित्र चित्रण डायरेक्ट आपके पेपर में दिखने वाला है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को दो तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला कि लक्ष्मण का चरित्र चित्रण दे देगा, दूसरा नायक बोल करके दे देगा, या प्रमुख पात्र का दे देगा। तो तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते कैसे आपको पेपर में लिखना है। तो वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित तुमुल खंड काव्य का नायक लक्ष्मण को माना जाता है। प्रस्तुत काव्य में लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध का वर्णन है। मतलब इस खंड काव्य में क्या है, लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच जो युद्ध हुआ था उसी का वर्णन है, ठीक है। इस खंड काव्य से लक्ष्मण के चरित्र की निम्न विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। अब आपको क्या करना है, उनकी कुछ विशेषताओं का वर्णन कर देना है। ज्यादा से ज्यादा आपको केवल 5 विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है नायक, ठीक है। क्या है नायक, तो इसमें आपको लिखना है कि लक्ष्मण तुमुल खंड काव्य के नायक हैं, वे राम के छोटे भाई एवं रघुकुल के प्रदीप हैं, ठीक है। वे राम के छोटे भाई एवं रघुकुल के प्रदीप हैं। और आगे लिखना है आपको कि उनमें नायक कोचित वीरता, धीरता और उदारता है। वे मेघनाथ के ललकारने पर युद्ध करते हैं, यद्यपि पहले वे मेघनाथ के शक्ति प्रहार से मूर्छित हो जाते हैं, परंतु अंत में विजय उन्हीं की होती है, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है पहले हेडिंग नायक में, ठीक है। अगला है अद्वितीय सौंदर्यशाली, ठीक है। अद्वितीय सौंदर्यशाली, इसमें आपको लिखना है कि लक्ष्मण दशरथ के पुत्र और राम के छोटे भाई हैं। उनके व्यक्तित्व में तेजस्विता, सहज कोमलता एवं स्वभाव में नम्रता है। उनके अधरों पर सहज मुस्कान खेलती है। मेघनाथ भी उन्हें लावण्ययुक्त ब्रह्माचारी कहकर संबोधित करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अद्वितीय सौंदर्यशाली, ठीक है। तीसरा हेडिंग है अतुलनीय शक्ति संपन्न। क्या है अतुलनीय शक्ति संपन्न, इसमें लिखना है कि लक्ष्मण अत्यंत विनयशील वीर हैं। वे शत्रु के ललकारने पर युद्ध करने से पीछे नहीं हटते। वे केवल शक्ति संपन्न ही नहीं हैं, बल्कि वीरों के प्रशंसक भी हैं, ठीक है। उन्होंने मेघनाद के सौंदर्य शौर्य एवं तेज की प्रशंसा भी की है। उन्होंने संकल्प करके जिससे भी युद्ध किया उसे युद्ध में परास्त ही किया। तो इसे स्पष्ट होता है कि लक्ष्मण जी क्या थे, अतुलनीय शक्ति संपन्न भी थे, ठीक है। अगली हेडिंग है विनम्र और सीलवान। क्या है विनम्र और सीलवान, इसमें आपको लिखना है कि बाल्यकाल से ही लक्ष्मण दयालु एवं उदार हैं। उनका अंतःकरण भी सरल, शुद्ध तथा कोमल है। वे अपने भाई राम के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। उनके चरित्र में कृत्रिमता नहीं है, ठीक है। तो ये चौथा हेडिंग में लिखना है आपको विनम्र और सीलवान में। और लास्ट है पांचवा नंबर मानवीय गुणों के भंडार। केवल आपको 5 ही हेडिंग्स लिख करके आने हैं, ठीक है। लक्ष्मण के व्यक्तित्व में मानवीय गुण विशेष रूप से भरे पड़े हैं। लक्ष्मण परम सीलवान, विनम्र, पराक्रमी, अतुल शक्ति संपन्न एवं अजेय योद्धा थे। वस्तुतः नायक होने के लिए जितने भी गुण किसी व्यक्ति में होने चाहिए, वे सभी गुण लक्ष्मण में मौजूद हैं। वे तुमुल खंड काव्य के नायक एवं मानव मात्र के लिए आदर्श हैं। तो अगर आप इतना पेपर में लिख करके आते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलने वाले हैं। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पेपर में दिखने वाला है, लक्ष्मण का चरित्र चित्रण। और मैंने पहले ही बता दिया है कि 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो लक्ष्मण का चरित्र चित्रण दे देगा, या तो प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण बोलेगा, या तो नायक का चरित्र चित्रण बोलेगा। तीनों का मतलब एक ही होता है, लक्ष्मण का चरित्र चित्रण, ठीक है। तो जल्दी से इसको तैयार कर लीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इतना लिख करके आप 3 में 3 नंबर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।